आप लोग को मैं पिछले वीडियो में दिखलाया था भिलाई से अपना अभनपुर सिटी। तो अब मैं लेके जाता हूँ आप लोग को अभनपुर से राजिम जतमई। सामने में भीड़ दिखाई दे रहा है, शायद एक्सीडेंट हुआ है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है। देखिए सड़के की अगर बात करें तो देखिए बहुत ही अच्छा सड़क बने हुए हैं। ये रहा ट्रैक्टर, इस साइड चल ही रहा है। हम लोग अभी राजिम पहुंचने ही वाले हैं, कुछ देर में राजिम पहुंच जाएंगे। यहाँ से लगभग वही 7-8 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा गाड़ी भी चल रहा है, सुबह का टाइम है फिर भी यहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है। जब से लॉकडाउन नॉर्मल हुआ है तब से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसकी हद ही नहीं है। जब लॉकडाउन लगा हुआ था, पूर्ण लॉकडाउन हुआ था, तो आदमी देखने को मिलता ही नहीं था। तो चलिए राजिम के अंदर आ ही गए हैं। यह है नया पारा राजिम एरिया। इस साइड देखिए दुकान वगैरह लगे हुए हैं। इस साइड बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ट्रांसपोर्ट एरिया है सब ये। ये मार्केट वाला एरिया है। बाइक राइड करने में बहुत मज़ा आता है, तो आप लोग को आज हम लोग बाइक राइड दिखला रहे हैं। और हम लोग सुबह से निकले हुए हैं। जतमई माता मंदिर है, घटा रानी है, और गरियाबंद भी जाएंगे अपन लोग। तो मैं राजिम पहुंच ही गया हूँ। देखिए इस एरिया में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आप लोग को राजिम अंदर लेता हूँ मैं। तो ये है राजिम, देखिए खूबसूरत सा पुल बना हुआ है। इस साइड देखिए पानी भरा हुआ है। और ये रहा आपका, इस साइड है राजीव लोचन मंदिर। सामने में आप लोग को पुल दिखाई दे रहा है। चलिए अपन लोग राजिम देख लिए, फिर राजिम से आगे निकलते हैं जतमई के लिए। यहाँ से जतमई लगभग होगा मेरे ख्याल से वही 25-30 लगभग है। बहुत ही अच्छा नज़ारा। यहाँ से है जतमई माता मंदिर 15 किलोमीटर। तो जतमई माता मंदिर के लिए अपन लोग ले लिए हैं राइट, क्योंकि सामने में मुझे पेट्रोल डलवाना था, रिजर्व लग गया, इस कारण से मुझे आगे जाकर राइट लेना पड़ा। तो यहाँ से है राजिम लगभग वही 13-14 किलोमीटर है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस साइड भी देखिए दुकान, इस साइड भी लग रहा है खेती वाला जगह है पूरा। देखिए खेत में भी पानी भरे हुए हैं, किसान लोग का काम चालू हो गया है। देखिए यहाँ का नज़ारा, यहाँ पर घर में रहे हैं, काम कर रहे हैं।
देखिए गाड़ी बहुत स्पीड में जा रहा है, अपना स्कॉर्पियो। तो ये घाटी से होते हुए अपने को निकलना है। यहाँ से जतमई है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, और यहाँ से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये रहा जतमई माता का मंदिर। तो हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर, कुछ सीन आप लोग को दिखलाना है, बहुत ही अच्छा सीन है। चलिए आप लोग को दिखलाता हूँ मैं। देखिए झरने की आवाज़ भी आ रहा है यहाँ पर। यही वाला जो पानी है सीधा वहाँ पर जाता है जतमई के लिए, जो झरना का वाटरफॉल का रूप लेता है। और देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पेड़ पौधे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहाड़ है, ऊपर में पेड़ है, जो कि पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा, पेड़ों से पूरा ढका हुआ है। तो इस तरह से है इसका नज़ारा। अपने को यहाँ से चलना है, यहीं से लगभग। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हिदवंगन में आप लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में आप लोग को मैं दिखलाया था भिलाई से अभनपुर तक का। तो अभनपुर से मैं आप लोग को लेके आया हूँ जतमई माता का जो मंदिर है, पीछे है जतमई माता का मंदिर। मैं आप लोग को माता का मंदिर लेके जाऊँगा। और ये रहा बाहर का एरिया, अभी हम लोग गाड़ी पार्क कर दिए हैं और ये बाहर का नज़ारा है। सामने में आप लोग को नारियल वगैरह मिल जाएगा, अगर आप लोग नारियल चढ़ाना चाहते हो तो नारियल चढ़ा सकते हो यहाँ पर। तो चलिए माता के दरबार में चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं। यहाँ छोटा सा झरना भी है, झरना भी आप लोग को दिखलाएंगे, और यहाँ पर विशाल हनुमान जी का मूर्ति भी है, उसको भी आप लोग को दिखलाएंगे। भाई आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन घंटी भी दबाए, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। आप लोग के लिए मैं अच्छा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये बाहर का एरिया है और ये यहाँ से आप लोग जा सकते हो जतमई माता मंदिर के लिए। पहले इस जगह पर नारियल का दुकान वगैरह लगता था, लेकिन अभी क्या है बंद करके रखा हुआ है। तो जतमई माता मंदिर के लिए जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ है, मस्त शेर के मुंह के अंदर जाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। और मौसम को देखिए बहुत ही खूबसूरत है, और अभी क्या है पानी वगैरह नहीं गिर रहा है, तो अच्छी बात है। हम लोग वीडियो बनाने के नाम से आए इतना दूर। तो शेर के मुंह के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर गोले बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंस बना कर रखना है, करीब करीब 1 मीटर लगभग। और इस तरह से देखिए यहाँ का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। झरने की आवाज़ है, कलकल आ रही है, आप लोग को सुनाई भी दे रहा होगा। और यहाँ पर जितने भी रेलिंग बने हुए हैं पूरे स्टील के बनाए हुए हैं। ये यहाँ पर सामने पेड़ है करके यहाँ पर मंदिर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए नज़दीक से मैं आप लोग को दिखलाता हूँ मंदिर। ये सामने में है, ज्योति कलश जलाया जाता है यहाँ पर। चलिए इस साइड से आप लोग को मैं दिखलाता हूँ मंदिर का एरिया। रहा जतमई माता मंदिर, देखिए झरना चल रहा है अभी। नीचे जाकर मैं आप लोग को अच्छे से दिखलाऊंगा। और देखिए धूप बहुत ज़्यादा हो गया, मंदिर इस तरह से दिखाई देता है। और मंदिर के अगल बगल में आप लोग देखिए बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और मंदिर बीचों बीच है। चलिए आप लोग को नज़दीक से मैं आप लोग को दिखाता हूँ। पहले अपन मंदिर देख लेते हैं, मंदिर इस तरह से दिखाई देता है। ये भी मंदिर नया बना हुआ है, अभी इसमें कलर नहीं किया गया है, देखिए इस तरह से। और जो मेन मंदिर है सामने है इस साइड, मैं आप लोग को दिखलाऊंगा जाकर। अभी पहले आप लोग इस तरह का एरिया देखिए, सामने में देखिए मंदिर के ऊपर ऊपर पानी बह रहा है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ पानी को कहाँ से आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पानी जो आ रहा है मंदिर के जो चरण है उसको छूने के लिए आता है, और ये झरने का रूप ले रहा है, जैसे नीचे जा रहा है। और उस तरफ लोग नहा भी रहे, उस तरफ का भी एरिया मैं आप लोग को दिखलाऊंगा। तो पहले अपन मंदिर देखते हैं। जो पानी आ रहा है यहाँ से आ रहा है, देखिए सीढ़ी के नीचे से।
ऊपर जो पहाड़ है, पहाड़ से रिसते हुए नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ भी पूजा करने के लिए बहुत लोग आए हुए हैं। और ये रहा आपका शिव जी का मंदिर है, और बीच में है नंदी बैल। तो शिव मंदिर का दर्शन मैंने कर लिया, अब ऊपर चलते हैं इसके, और ऊपर से आप लोग को ये दिखाता हूँ मैं। उस वाले एरिया में अपन लोग चलते हैं। ये वाला जो मंदिर है, मेन मंदिर है, और नीचे देखिए पानी ऊपर से बहते हुए आ रहा है। यहाँ से अपन चलते हैं मेन मंदिर के लिए। यहाँ से सीढ़ी चढ़कर आप लोग को जाना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा राइट। तो चलिए मंदिर के ऊपर आ गए हैं। इस मंदिर के ऊपर मैं चढ़कर आप लोग को दिखलाया था, ये शिव जी की मंदिर है। और सामने में देखिए, मैं हनुमान जी के बारे में आप लोग को बतला रहा था, ये रहा बहुत बड़ा विशाल हनुमान, राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर लिए हुए हैं। ये भी आप लोग को दिखलाएंगे नज़दीक आकर। पहले मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, फिर इस साइड भी आप लोग को जाकर दिखलाएंगे। चलिए बाबा के पास चलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बढ़िया सावन की महीने रहन में टागत मनी पिछले करी बात है, और जो जैसे करी है जो फल मिलते हो, कर्म करना है भगवान को देते हैं जो भगवान। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, और मंदिर इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर लड़के लोग फोटो तो खिंचा रहे हैं सामने में। तो यह है माता का मंदिर, गद्दी वाली बड़ी माँ। ये है राम लक्ष्मण सीता माता का मंदिर है। ये है नरसिंहनाथ। ये है वो मंदिर पारावाली। तो चलिए मैं आप लोग को हनुमान मूर्ति के पास आप लोग को लेकर जा रहा हूँ। और इस साइड अभी पानी नहीं है, पानी कम है। ये पीछे का नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर उस साइड है। तो ये है सामने में हनुमान जी की विशाल मूर्ति। और इस साइड का झरना देखिए, हनुमान जी के गले के पास मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है। यहाँ से आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा गड्ढे में बना हुआ है। पानी कम है करके लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। नीचे जहाँ पर कुंड है वहाँ पर लोग नहा रहे हैं। उस साइड भी आप लोग को लेकर चलते हैं। वहाँ पर सब फ्रेंड्स अपने नहा आ रहा है। इस मंदिर को मैं आप लोग को दिखाया हूँ, और बहुत ही अच्छा बना हुआ है मंदिर। चलिए आगे चलते हैं। तो यह खूबसूरत वाटरफॉल
जो नीचे की ओर जा रहा है और वहाँ पर लोग नहा भी रहे हैं। सामने में एक कुंड बना हुआ है, राहुल भैया वहाँ पर खड़ा हुआ है, वो भी वीडियो कॉल कर रहा है। चलिए उसके पास चलते हैं नीचे। ये है वरदेव बाबा की जय वासिक वृक्ष, ये बहुत बड़ा वृक्ष है यहाँ पर। तो बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। अभी कम लोग आए हुए हैं क्योंकि अभी क्या है सब कोरोना से रह करके लोगों का आना कम हो गया है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। पिछले साल जब मैं आया था तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा था, शायद आने के लिए मना भी कर रहा था, लेकिन इस बार तो बहुत अच्छे से आ भी रहा है। बहुत तेज आ रहा है, यहाँ से नीचे पानी आ रहा है और ये होते हुए इस कुंड में जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है। ये है कुंड, पूरा पेड़ पौधे है, बहुत खूबसूरत हरियाली है यहाँ पर। ये रहा सामने वाटरफॉल, वाटरफॉल का मजा लीजिए आप लोग, बहुत खूबसूरत। पिछले टाइम जब आया था मैं यहाँ पर तो पानी बहुत ज़्यादा था, कुंड में पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। ये जो कुंड दिखाई दे रहा आप लोग को, इस तरह ये पूरा पानी से ढका हुआ था और ये पानी बहते बहते इस साइड जाता है सामने की ओर, उस साइड तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो कुंड के अंदर में खूबसूरत नंगी बैल बना हुए हैं, अगर पानी भरता है ना तो ये बैल यहाँ डूब जाता है। बैकग्राउंड देखिए मेरे पीछे का बहुत खूबसूरत है। तो आप लोग को कैसा लगा जतमई घटा रानी का वाटरफॉल? आप लोग अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी भी दबाइए जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अब इसके बाद मैं आप लोग को लेके जाऊंगा घटा रानी वाटरफॉल, वहाँ पर भी मंदिर है और इससे भी बड़ा वाटरफॉल है। फिर आप लोग को मिलते हैं वहीं।